क्या आतंकी विकास दुबे का फर्जी एनकाउंटर किया गया? क्या पुलिस के बड़े अफसरों और नेताओं को बचाने के लिए विकास दुबे का काम तमाम कर दिया गया? जय भीम, मैं हूं सुमित चौहान और आप देख रहे हैं द शूद्र। इस वीडियो में हम विकास दुबे एनकाउंटर की पड़ताल करेंगे, लेकिन उससे पहले एक अपील। अंबेडकरवादी पत्रकारिता को आगे बढ़ाएं, अपना खुद का नेशनल बहुजन मीडिया खड़ा करने के लिए द शूद्र की आर्थिक मदद करें। आप स्क्रीन पर दिए गए अकाउंट नंबर में सीधे अपनी आर्थिक मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा UPI, पेटीएम, फोन पे और गूगल पे के जरिए भी आप हमारी मदद कर सकते हैं। आपकी ये छोटी सी मदद एक बड़े मिशन को कामयाब बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। जय भीम। 8-8 पुलिस कर्मियों की हत्या के आरोपी विकास दुबे को कल उज्जैन के महाकाल मंदिर से फिल्मी स्टाइल में गिरफ्तार किया गया और आज सुबह फिल्मी स्टाइल में ही उसका एनकाउंटर कर दिया गया। आज UPSTF का काफिला विकास दुबे को कानपुर लेकर जा रहा था, लेकिन कानपुर से कुछ दूर पहले ही रास्ते में काफिले की गाड़ी पलट गई। बताया जा रहा है कि इस दौरान विकास दुबे ने पुलिस वाले की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की और जब उसे रोका गया तो उसने गोली चला दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में उसको मार गिराने का दावा किया है, लेकिन क्या सच में ऐसा ही हुआ है या फिर ये कोई फिल्मी कहानी सुनाई जा रही है, क्योंकि इस एनकाउंटर को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला सवाल, मीडिया की गाड़ियां क्यों रोकी गई? जाति से ब्राह्मण आतंकी विकास दुबे को ब्राह्मणवादी मीडिया किसी हीरो की तरह पेश कर रहा था। उज्जैन से गिरफ्तारी के बाद से ही उसके पीछे पल पल दर्जनों कैमरे लगे हुए थे। उज्जैन से कानपुर के रास्ते में भी मीडिया की दर्जनों गाड़ियां UPSTF के काफिले के पीछे थी, लेकिन जिस जगह एनकाउंटर हुआ उससे कुछ दूर पहले ही मीडिया कर्मियों को रोक दिया गया। जांच के नाम पर मीडिया कर्मियों को काफी देर रोके रखा गया, इससे पुलिस का काफिला काफी आगे निकल गया। ये भी बताया जा रहा है कि रास्ते में खराब ट्रक खड़ा था जिससे मीडिया को निकलने में काफी दिक्कत हुई, उसके बाद सीधे एनकाउंटर की खबर आई। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ महज एक संयोग था या इसके पीछे कोई सोची समझी साजिश थी। दूसरा सवाल, क्या विकास दुबे के हाथ में हथकड़ी नहीं थी? किसी आरोपी को जब एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है तो उसे हथकड़ी पहनाई जाती है। उस हथकड़ी को या तो कोई पुलिस वाला पकड़े रहता है या फिर उसे गाड़ी से बांध दिया जाता है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कुख्यात अपराधी विकास दुबे को हथकड़ी नहीं लगाई गई थी, और अगर उसके हाथों में हथकड़ी थी तो फिर उसने पुलिस वाले की पिस्टल कैसे छीन ली, और अगर हथकड़ी नहीं थी तो इतने कुख्यात अपराधी के साथ इतनी बड़ी लापरवाही क्यों की गई। तीसरा सवाल, क्या विकास दुबे की गाड़ी नहीं पलटी? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कानपुर से पहले जो पुलिस काफिले की गाड़ी पलटी उसमें विकास दुबे नहीं था। पुलिस ने पहले कहा कि उस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ जिसमें विकास दुबे था, लेकिन एक वीडियो सामने आने के बाद पुलिस का ये दावा गलत साबित हो रहा है। समाचार एजेंसी ANI ने जो तस्वीरें साझा की हैं, उससे पता चलता है कि विकास दूसरी गाड़ी में था। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बीच रास्ते गाड़ियों की अदला बदली की गई? अगर वो दूसरी गाड़ी में था तो फिर उसे नीचे क्यों उतारा गया, और अगर उसे नीचे नहीं उतारा गया तो क्या उसने गाड़ी के अंदर ही पुलिस वाले पर हमला किया और उसकी पिस्तौल छीन ली? अगर ऐसा है तो क्या गाड़ी में इतने कुख्यात आतंकी की सुरक्षा के लिए महज एक पुलिस वाला मौजूद था? इन सवालों के जवाब यूपी पुलिस को देने चाहिए। चौथा सवाल, क्या आतंकी विकास दुबे को जिंदा नहीं पकड़ा जा सकता था? पुलिस का दावा है कि पहले आतंकी विकास दुबे ने गोली चलाई और जवाबी कार्रवाई में वो ढेर हो गया, लेकिन सवाल उठता है कि क्या आतंकी विकास दुबे को जिंदा नहीं पकड़ा जा सकता था? आतंकी विकास के एक पैर में कुछ खराबी थी, इसका मतलब ये है कि वो बहुत दूर तक नहीं भाग सकता था। ऐसे में पुलिस ने उसे जिंदा पकड़ने की कोशिश क्यों नहीं की, और अगर गोली मारनी ही थी तो उसके पैर में गोली क्यों नहीं मारी गई? पुलिस का निशाना तो वैसे भी अचूक होता है। ये पूरा घटनाक्रम कई बड़े सवाल खड़े करता है। पांचवा सवाल, क्या विकास दुबे और उसके गैंगस्टर्स को बलि का बकरा बनाया गया है? विकास दुबे कुख्यात अपराधी और आतंकवादी था। उसके कई बड़े नेताओं और अफसरों के साथ संबंध होने का शक है। हफ्ते भर पहले पुलिस की टीम जब उसे पकड़ने पहुंची तो उसकी गैंग ने पुलिस पर ही हमला कर दिया। 8 पुलिस वाले शहीद हो गए। आरोप लगा कि पुलिस विभाग के ही कुछ भ्रष्ट अफसरों ने उसकी मुखबिरी की थी। उस दिन विकास दुबे वहां से भाग निकला।
लेकिन उसके बाद से उसके तमाम साथी एक एक कर एनकाउंटर में मारे गए। हैरान करने वाली बात यह है कि विकास दुबे गैंग के इन अपराधियों में से कोई भी जिंदा नहीं पकड़ा गया। ऐसे में विरोधी सवाल पूछ रहे हैं कि क्या बड़े चेहरों को बचाने के लिए विकास दुबे और उसकी गैंग को बलि का बकरा बनाया गया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्विटर पर लिखा, दरअसल ये कार नहीं पलटी है, राज खुलने से सरकार पलटने से बचाई गई है। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी पूरे मामले पर शक जाहिर करते हुए जांच की मांग की है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, पूरे मामले की माननीय सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। यह उच्च स्तरीय जांच इसलिए भी जरूरी है ताकि कानपुर नरसंहार में शहीद हुए 8 पुलिसकर्मियों के परिवारों को सही इंसाफ मिल सके। साथ ही पुलिस व आपराधिक राजनीतिक तत्वों के गठजोड़ की भी सही शिनाख्त करके उन्हें भी सख्त सजा दिलाई जा सके। ऐसे कदमों से ही यूपी अपराध मुक्त हो सकता है। कांग्रेस ने भी आतंकी विकास दुबे के एनकाउंटर के बहाने बड़े नेताओं और अफसरों को बचाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्विटर पर लिखा, अपराधी का अंत हो गया, अपराध और उसको संरक्षण देने वालों का क्या। इस मामले में सच सामने आना ही चाहिए। अपराधियों, नेताओं और अफसरों की मिलीभगत के कारण 8-8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए, उनके परिवार बेसहारा हो गए। ऐसे में उन्हें इंसाफ तभी मिलेगा जब हर वो आदमी बेनकाब होगा जो विकास दुबे के काले कारनामों में उसका हमराज था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे शेयर करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो दशोद्रा के Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। जय भीम।